हैं प्रॉन मिर्च मसाला को कुक कर लेना है, उसके बाद हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। चलें जी, इसमें मैं शामिल कर देती हूँ और उसको करते हैं हल्का सा सौते। बहुत ज़्यादा नहीं बनाना, बस इसका जो अपना एक पानी होगा वो भी हमने ड्राई करना है। चलें, थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं पकाते वक्त, थोड़ा सा इसको हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। झींगों को बहुत ज़्यादा पकाने से क्या होता है कि उनकी सॉफ्टनेस ख़त्म होती जाती है। ये स्लाइस में कटे हुए टमाटर, इसमें जाएगी जनाब प्याज, ताकि एक स्मूथ सी हमारी ग्रेवी बने। तो मैं इसमें, बड़े साइज़ की है तो एक ऐड कर दीजिए, ये दरमियाने साइज़ की है तो मैं ऐड कर रही हूँ दो। ये चली गई इसमें प्याज, और इसके साथ ही हमने जनाब इसमें क्या करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट हमारे पास पिसा हुआ है, साबित गरम मसाला है, वो भी ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, हम उसको हल्का सा भगाड़ में यूज़ करेंगे। हरी मिर्चें हैं तो कुछ हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देते हैं, 4 से 5, और इन तमाम चीज़ों को हमने कर लेना है ब्लेंड। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं पानी, मटर बहुत ही अच्छे हैं वैसे, कैलोरीज़ में भी लो होते हैं, वो तमाम लोग जो अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं उनकी चॉइस होनी चाहिए मटर। और स्मूथ कर लेते हैं। चलें जी, ये रेडी हो गया। अब मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद, छोटी सी कढ़ाई ले लेते हैं, और स्टोव कर लेते हैं ऑन। फाइबर की मिकदार अच्छी खासी आपको मिल जाती है मटर में, इसके अलावा प्लांट प्रोटीन, यानी कि वैसे तो नॉर्मली हम प्रोटीन ले रहे होते हैं गोश्त से और दालों से, लेकिन यहाँ आपको मटर के ज़रिए भी आप प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, फ़ाइबर का, ज़रूर लें, और मज़ेदार इतने होते हैं। अगर हम इनके फ़ायदों से हटके भी बात करें तो मटर बड़े टेस्टी होते हैं, मिक्स सब्ज़ी में बहुत अच्छे जाते हैं। इसके अलावा मटर पुलाव बड़ा ज़बरदस्त सा बनता है, ज़रूर इस्तेमाल करें, सर्दियों में ही नज़र आ रहे होते हैं, और ये सीज़नल वेजिटेबल है, तो ख़ास तौर पे जो सब्ज़ियाँ सीजनल हो उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। चलें, ऐड कर दिया हमने इसमें ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमिस ऑयल, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ इलायची, थोड़ी सी लौंग, और हमने शामिल कर देनी है काली मिर्च। हल्का सा इसको कड़कड़ा लेते हैं, और उसके बाद ये जो मसाला हमने पीस लिया है ये मैं इसमें ऐड करूँगी, थोड़ी सी काली मिर्च, और ऐड कर देते हैं ज़ीरा। उसके बाद साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे तमाम पिसे हुए मसाले, हल्दी है, पिसी लाल मिर्च है, अदरक लहसुन है, नमक है, पिसा गरम मसाला है, ये तमाम चीज़ें इसमें चली जाएंगी। अच्छा सा भून लेंगे, प्रॉन्स बिल्कुल लास्ट में ऐड करके हमने इसको सर्व कर देना है। बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी होगी इसमें, क्योंकि टमाटर हैं ढेर सारे, प्याज को भी हमने ब्लेंड कर लिया है। चलें, अब इसमें शामिल कर देते हैं टोमेटो प्यूरी हमने ऐड कर दी, ताकि अब जब हम मसाले ऐड करें तो कोई भी चीज़ चलने का भी कोई इम्कान नहीं होगा। ना सिर्फ टमाटर हैं इसमें बल्कि हरी मिर्चें, और साथ ही हमने इसमें ऐड की थी प्याज, और अब हम इसमें कुछ और अज्जा भी ऐड करते जाते हैं, लहसुन और अदरक का पेस्ट। अगर आपके पास साबित है तो आप ब्लेंड करते वक्त लहसुन और अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दें, हस्बे ज़रूरत, या एक टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा ऐड करेंगे हल्दी पाउडर,
नमक भी अपने टेस्ट के मुताबिक, मैं लेवल में एक टीस्पून ऐड कर रही हूँ नमक और पिसा हुआ गरम मसाला। चलें इसको भून लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, दही को फेंट के रख लेते हैं, लास्ट में इसमें जाएगा दही। जब ये जो हमारी मिक्सचर का जो पानी है ये जब ड्राई हो जाएगा फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे। हरी मिर्चें भी हमने इसमें शामिल की हैं, लाल मिर्चें भी हमने इसमें ऐड की हैं और कुछ हम इसमें ऐड करेंगे साबित हरी मिर्च, ये भी हमने ऐड कर दी। और दही हम ले लेते हैं, इसको अच्छा सा फेंट लेते हैं। सिर्फ हमने मसाला भूनना है, बहुत ही इजी सी रेसिपीज़ हैं। शायद ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। एक प्याली हमने ले लेनी है दही। अच्छा, बहुत ज़्यादा अगर दही फ्रेश नहीं भी है, थोड़ा सा खट्टा है तो भी इस रेसिपी में अच्छा जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें मिर्च मसाला और खटास ऐड कर रहे हैं। इतनी देर तक भूनेंगे ये तमाम पानी ड्राई हो जाए, मिर्च और मसाला बहुत अच्छे से भुन जाए। जब तक ये हो रहा है तो क्यों ना मटर पनीर को सर्व कर देते हैं। बाद अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं दही। मसाला अच्छे से भुन गया है, एक दफ़ा आंच को बंद करते हैं, दही ऐड करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे और इतना कुक करेंगे कि ये जो दही का पानी है ये भी ड्राई नहीं हो जाता। और प्रॉन्स लास्ट में ऐड करेंगे ताकि दही का पानी ड्राई करने की वजह से हम उसको और बहुत ज़्यादा ना पकाएं। ऑलरेडी हम उसको सौते कर चुके हैं। नमक और मिर्च मैंने चेक कर लिया है, नमक मैंने थोड़ा सा और ऐड किया था, मुझे कम लग रहा था। ज़रूर अपने खाने को टेस्ट भी कर लिया करें, दावत ना भी हो घर के लिए बना रहे हैं, लास्ट में एक दफ़ा ज़रूर चेक करें। नमक और लाल मिर्च हमेशा कम रखें, हम बहुत आसानी से उसे ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा हो जाए तो फिर कम करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलें इसको झटपट से कुक कर ले करके थोड़ा सा मिक्स कर ले ताकि जो मिर्च और मसाले का ज़बरदस्त सा फ्लेवर है वो इसमें आ जाए। अब मैं आंच को थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ और पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देते हैं।